अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल और करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे, हर दुख हर परेशानी से दूर रखे। आमीन सुम आमीन। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। कल मैंने आपको बताया था किचन के ड्रेन का मसला हुआ है, तो बस फिर पापा ने आज बुलाया हुआ है, तो वो देख रही है नीचे कि हमारी जो मेन जो है ना ड्रेन वो बाहर है सेहन में, तो वो पापा देख रहे हैं क्या मसला है। आदमी चेक कर रहा है यहाँ पे कुर्त लाइन के काम। देखें जी सारे अपने जो खिलौने हैं वो बिखेर के बैठी हुई है। तो है जी आज मैंने सोचा है कि आज मैं बना लूँ चपली कबाब। तो उसके लिए देखें जी मैंने आधा किलो कीमा लिया है, जिसको मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, चूँकि फ्रीज हुआ हुआ था मैंने बाहर निकाल दिया था इसको रात को। तो अब इसको मैंने चॉपर में डाल के इसको ब्लेंड कर लिया, इसमें लहसुन अदरक और साथ में हरी मिर्च भी साथ मैंने डाल दी थी। और यहाँ पे मैं अनारदाना जो है इसको धो के अच्छी तरह से इसको मैश कर लूँगी। और आपको मैं बता दूँ, जो मैंने कीमा लिया है ना उसमें समझ लिए 300 ग्राम कीमा था, 200 ग्राम उसमें मैंने सॉरी 350 ग्राम कीमा था, 150 ग्राम मैंने इसके अंदर फैट डाली थी। अगर आपके पास फैट ना हो तो आप इसके अंदर दो टेबल स्पून घी भी डाल सकते हैं। तो देखिए जब मैंने इसके अंदर अनारदाने की पेस्ट डाल दी है, उसके बाद सिंपल इसमें मैं डाल दी हूँ जी सूखी मिर्च पाउडर। मक्खियों ने इतना ज़्यादा तंग किया फिर मैं बस क्या बताऊँ, बार बार मुझे उड़ानी पड़ रही थी। अच्छा है, इसके बाद मैंने अंदर डाला नमक, सूखा धनिया, चाट मसाला पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हस्बी टेस्ट अपनी और क्वांटिटी के हिसाब से आप डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर भी डाला था हाफ टी स्पून। अब मैंने इसके अंदर डाल रही हूँ जी अजवाइन, 1/4 टी स्पून मैंने इसके अंदर अजवाइन डाली है। आधा किलो कीमा 500 ग्राम इसके अंदर मैंने डाला है, एक अंडा और इसको बाइंडिंग के लिए ना। और अब डाल दिए मैंने दूसरा अंडा, दो अंडे डाले थे मैंने देसी, जो उनसे भी आप दूसरा भी अंडा डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। अच्छा यहाँ पे आपने इसके अंदर डालनी है 2 टेबल स्पून जो मैंने घर में आम आटा यूज़ करते हैं ना वो मैंने डाल दिए। आप डालना चाहे तो इसके अंदर कॉर्नफ्लावर भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने है जो घर वाला जो गंदम का आटा था ना 2 टेबल स्पून वो भी इसके अंदर ऐड किए हैं बाइंडिंग के लिए, इसको जोड़ने के लिए। और एक टी स्पून चुटकी मैंने अंदर डाल दी है कलवंची दूसरी पर के। तो जी अब इसके अंदर डालनी है जी मैं प्याज, 3 मैंने प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के, जिसको मैंने ना अच्छी तरह से चॉप करके इनका पानी निचोड़ लिया है। तो बस इसको भी इसके अंदर कर देंगे ऐड और अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को कर लेंगे मिक्स, ताकि ना इनकी बाइंडिंग अच्छी हो सके। अच्छा और मेन पॉइंट ये है कि एक तो आपने इसमें अंदर फैट जरूर डालनी है, फैट ना हो तो आप इसके अंदर घी ऐड कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि इस सब चीज़ों को मिक्स करके ना आपने 1.5 से 2 घंटे कम से कम इसको फ्रिज में रख देना है। अच्छी तरह से ये ना सेट हो जाएगा कीमा, आपके जो कबाब है ना, आप चाहे मैं चपली बना रही हूँ, आप लंबे भी बनाएं, गोला कबाब बना लें, कुछ भी मतलब कि मटेरियल एक ही है ये, इससे आप सब बना सकते हैं, वो टूटेंगे नहीं। अच्छा यहाँ पे मैं कर रही हूँ जी इनका तरीका आपको बता रही हूँ चपली कबाब बनाने का, इससे बड़े परफेक्ट माशाल्लाह से गोल बनते हैं और एक जैसे बनते हैं, कहीं से मोटे कहीं से पतले नहीं बनते। शॉपिंग बैग मैंने देखने काट लिया, ब्रेड का ही पड़ा था मेरे पास, मैंने उसी के काट लिया, छोटा सा पेड़ा बना के मैंने जितने भी साइज़ के मैंने बनाने हैं। तो मैंने हथेली की मदद से ना इसको सारा बारीक कर लिया। मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ, ये देखिए इसको गोल गोल किया मैंने, और यहाँ पे मैं करीब कर देती हूँ अभी कैमरा, और उसके बाद यहाँ पे रख के ये देखिए अब दूसरी तरफ ऊपर शॉपिंग बैग से मैं इसको करूँगी जी कवर, और हाथ की मदद से या चाहे हथेली की मदद से ये देखें सारा एक तरफ से एक जैसा हो जाएगा, जहाँ से आपको लगे हाथ से भी एक जैसा कर लीजिएगा। ऊपर टमाटर मैंने साथ ही प्रेस कर दिया, तो ये देखिए इस तरह से पकड़ के आपने उतार लेना है। अभी मैं 2-3 आपको दिखा देती हूँ बनाते हुए, फिर मैं तवे पे डाल रही हूँ साथ साथ फ्राई में, मैं आपको दिखा दूँगी सिंपल, बस ऑयल में फ्राई करना है इसको, तो कुछ भी नहीं करना, मीडियम से लो फ्लेम, वैसे कि बिल्कुल आपने ज़्यादा ना तेज़ ना ज़्यादा हल्की आपने फ्लेम रखनी है। तो बस मैं फटाफट से कबाब बना के अब तवे पे डाल रही हूँ, और ये मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने बेटे को कहा ज़रा तुम कैमरा सेट कर दो, वो कैमरा सेट कर रहा है, और मैंने कहा ताकि दोनों जो मैंने 2 तवे रखे हुए थे, क्योंकि बच्चों को भूख ज़्यादा लगी हुई थी, काम हो रहा था बाहर, तो फिर मैं भी अंदर चली गई थी, तो ना इसीलिए फिर फटाफट मैं बस अब बच्चों को दे रही हूँ जी खाना। और यहाँ पे मैंने 2 जगह पे तवे रख लिए थे, रोटियाँ मैंने बना ली हुई थी, तो फटाफट से मैंने कहा मैं जल्दी से फ्राई हो जाएंगे तो मैं बच्चों को साथ साथ ही गर्म गर्म सर्व करती जाऊँगी। और ये देख लीजिए कलर आ गया था इनका गोल्डन ब्राउन सा, उसके बाद मैंने इसकी साइड कर दी थी चेंज, ठीक है। तो बस अब मैं दूसरे तवे पे भी ये देखिए जी सिंपल जो टमाटर वाली साइड है वो आपने नीचे डालनी है, और थोड़ी देर बाद आपने बार बार नहीं आपने उलट पुलट इसको करना, थोड़ी देर बाद ही आपने सुकून से इसको पलटना कि भाई एक जगह से कलर आ गया हो, ये नहीं मिनट बार उधर ऐसे नहीं आपने करना। इसके साथ बताती चलूँ, चैनल पर नहीं है ना, ये देखें जी
माशाल्लाह से ये फ्राई हो गई है, तो बच्चों को लगी हुई थी भूख, में साथ साथ ही बच्चों को सर्व करती जा रही थी। फाइनल लुकिंग की इसी ऐसी है, आपको मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट थे और नमक मिर्च भी मुनासिब थी और बहुत ही मज़े के बने हुए थे और जल्दी से बनने वाले हैं। इजी रेसिपी है, आपने इसको रेसिपी को फॉलो ज़रूर करना है। नहीं है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने खाना सर्व कर दिया था, उसके बाद ना अब मैं आज थोड़ी सी किचन की कर रही थी सेटिंग चेंज ये कर रही थी कि मैंने इधर वाली टाइल पर रखा हुआ था डैक अपने गिलासों वाला, जिसके ऊपर मैं अपनी गिलास और बच्चों के कप्स जो दूध वगैरह सर्व करती हूँ ना, मैं वो रख देती थी। उस स्टैंड को ना मैं इधर वाली टाइल पे ले आई हूँ, इसलिए कि मैंने ना यहाँ पे रखा हुआ था ये वाला डैक स्पाइस जो है ना मेरा डैक, जिसमें सारे स्पाइस जार मैंने रखे हुए हैं। ये राउंड घूमने वाला है, शायद कभी पीछे भी किसी वीडियो में मैंने आपको दिखाया हो। यहाँ पे ऊपर ना मैंने जो मेरे कैमरे हैं ना, इनके नीचे ही एक स्टैंड लगे हुए जिसमें कप्स में ना वॉश करके ना वहाँ पे हैंग कर देती हूँ, तो उनका पानी ना नीचे गिरता था, तो ये मेटल का है ना, तो इस पर ना जिंक सॉरी कहते हैं ना जंगाल जैसा ऊपर ना आ रहा था, ख़राब हो रहा था, कलर भी इसका सारा ख़राब हो रहा था। मैं भी आपको करीब से भी दिखाती हूँ, तो मैंने ना बस जगह चेंज कर दिया, उसको उठा के मैंने उधर रख दिया और उसको मैंने उठा के उधर रख दिया। तो बस अब यहाँ पे फटाफट मैंने कहा साथ में चूल्हा भी क्लीन कर लूँ। ये मेरा चूल्हा ऐसा है, इस पर थोड़ा सा भी कुछ भी गिर जाता है ना तो बस ये जल जाता है। तो अमूमन अक्सर ऐसा होता है, मैं खाना बना के बैठ जाती हूँ, बच्चों से कह देती हूँ भी चाय ज़रा तुम बना दो, अली भी बना देता है, अहमद भी बना देता है, लेकिन ये है कि बस समझ लिए मैंने आप कह दिया है, तो बस मुझे पता होता है कि अब मुझे अच्छी तरह से चूल्हे की सफाई करनी पड़नी है। चाय ज़रूर गिराते हैं बच्चे, और ये ऐसा लोहे का चूल्हा है ना, चाय गिरती है तो साथ ही समझ लिए चाय पकते पकते वो नीचे से जल भी जाती है, ऐसा हो जाता है इसको। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है मैं आते साथ सबसे पहले इसको क्लीन कर दूँ, क्योंकि फिर ये जमते जमते ना बहुत ज़्यादा जम जाता है, और मैं कोई भी क्लीनर कुछ भी यूज़ नहीं करती, सिंपल बस अपने हाथों की मदद से, और जी ये लोहे की कूची है ना, इसकी मदद से मैं अच्छी तरह से चूल्हे को बस क्लीन कर देती हूँ। तो बस ये देखें जी, चूल्हा अच्छी तरह से हो गया क्लीन, ठीक है। तो बस अब इसको अच्छी तरह से कपड़े के साथ साफ़ कर लेंगे, और बस मैं स्टैंड वगैरह भी वॉश करके इसके ऊपर रख लूँगी। और घर में आज काम स्टार्ट हो गया हुआ है, क्योंकि ना मैंने आपको दिखाया ना वो ड्रेन का मसला आ रहा था, मैं समझ नहीं आ रही थी क्या मसला है क्या मसला है क्या नहीं। तो बस यहाँ पे किचन को मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था, तो फिर पता चला जी कि हमारे जो मेन मसल के जो गटर है ना ड्रेन, उनके अंदर ना कोई प्रॉब्लम हो गई है, वो दरमियान में से टूट के हुए हैं, उसकी वजह से पानी की ना लीकेज हो रही है और पानी जा भी नहीं रहा ठीक तरह से। तो बस यहाँ पर फिर ये सारा उन्होंने ना हमारी जो एंट्रेंस है ना दरवाजे से ले कर अंदर तक, ये सारा उन्होंने यहाँ से सारा दरमियान में से तोड़ा है, और फिर अंदर नया पाइप अब डाल रहे हैं, जो गटर नहीं होते उनके, तो मेन सारा अब ये डलेगा, अब ये टूटेगा, और यहाँ पे दोबारा नया हम पत्थर पापा कहने हैं कटवा के वही लगवाऊंगा। तो बस ये था कि आज मुझे पापा ने भेज दिया था, मैं चली गई थी अम्मी की तरफ, क्योंकि ना वॉशरूम किचन कुछ भी नहीं करना था यूज़। तो इसके बाद आगे क्या हुआ था और क्या यहाँ पे कैसे बना है वो मैं दिखाऊंगी आपको अगले व्लॉग में। तो बस इसी के साथ मैं चाहती हूँ इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना, और अपनी दुआओं में मुझे भास बहुत ज़्यादा याद रखना है। अल्लाह हाफिज़। अच्छा वो मैं आपको दिखाना भूल गई थी कि मैंने सेटिंग किस वजह से चेंज की है, ये मैं आपको डायरेक्ट आगे खींच के दिखाती हूँ। ये देखिए ये ऊपर से सारा ना यहाँ पे इसका कलर सारा ख़राब हो रहा था, फेड हो रहा था, तो मैंने कहा इससे कि ये ज़्यादा ख़राब हो जाए, इसलिए मैंने ये जो ग्लास वाला स्टैंड है ना इसको इस वाली टाइल पर रख दिया था। ये ऊपर कप मैंने हैंग किए हुए हैं, जो मैं वॉश करके ऊपर हैंग करती हूँ ना, तो उनका पानी इसके ऊपर गिरता था, उसकी वजह से हो गया था ये ख़राब। तो आपको ये सेटिंग कैसी लगी मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।